हाय फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं सिलेबस के हिसाब से देखूं तो चैप्टर हमारा सेकंड है। ओके, चलो बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, बात समझ में आई। हमें क्या बात करना है, अच्छा एक और बात, कंट्रोल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं ये आप देख लो। पहले देखो इस चैप्टर को ना मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ूंगा, टाइम लूँगा। आप पढ़ने आए हो मेरे चैनल पे पढ़ो, मतलब बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। फर्स्ट है हमारा ब्रांचिंग, ठीक है। सेकंड है हमारा लूपिंग, ठीक है। तो ब्रांचिंग को एक और नाम से जाना जाता है, वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट माना जाता है इसको। मैं माइक अच्छे से कर लेता हूँ पहले, ठीक है, हो गया। क्या हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं मैं ये बताता हूँ आपको। फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट। क्या हमारा इफ स्टेटमेंट, बात समझ में आई। सेकेंड है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। सेकेंड है हमारा इफ, सॉरी नेस्टेड है, नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और एक मेरा लास्ट है हमारा स्विच केस। क्या है हमारा स्विच केस, कह सकते हो स्विच स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। क्या हमने बताया, कंट्रोल स्टेटमेंट आज पढ़ना, उसके बाद ब्रांचिंग है, और या ब्रांच जिसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग को आप क्या कह सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हो, ठीक है। एक है हमारा लूपिंग, ठीक है। अब लूपिंग का भी ना दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, कंट्रोल लूप। एक है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में जो आते हैं वो है हमारा फॉर लूप, सेकंड है हमारा व्हाइल लूप, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक आते हैं डू व्हाइल लूप, बात समझ में आई, दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिखाई दे रहा है, बात समझ में आई कि नहीं है बताइए। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, देखिए हम तो ट्राई करेंगे कि पूरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट और जो एक एक टॉपिक है मैं उसको अच्छा से डिटेल में कवर करूं। आप साथ में चलो, मैं आपको डिटेल में कवर करता हूं। देखते हैं इस टॉपिक, इस वीडियो में कितना होते हैं, कितने टॉपिक कवर होते हैं। चलो पहले मैं इसका इफ स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, चलो मैं कुछ इसका जो है डेफिनेशन डेफिनेशन सिंटेक्स एग्जांपल फ्लो चार्ट बताता हूँ। क्योंकि देखो आप जो है ना पढ़ने होते हैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट तो बिल्कुल और सिंटेक्स तो बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन आप जो है अगर पढ़ रहे हो तब डेफिनेशन तो जानना बहुत ज़रूरी है। चलो लिख लेते हैं डेफिनेशन पहले। व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। एक बात याद रखिएगा, जब आप पढ़ रहे हो ना तो एक एक चीज़ को जानकारी प्राप्त करो, ठीक है ना। पता चलेगा कि
एक के चक्कर में है जो है ना, आप जो है सिर्फ नहीं कुछ प्राप्त कर पाओगे, यानी सब कुछ आपको जानना, धीरे धीरे जो है जानना जरूरी है एक एक चीज को। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। चलो मैं इसका आपको जो है डिफिनेशन दे देता हूँ, डिफिनेशन आप देख लेना समझ में आ जाएंगे। पहला क्या है, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू नहीं होगा, यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। देखो मैं आपको पहले ही बताया था, मैं रट कर कोई चीज़ नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। मैं जो है खुद से मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बिहार के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं इजी कर करके बता रहा हूँ, मैं कोई रट कर नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। इफ अ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट का यूज़ तब हम करते हैं जब हम चाहते हैं कि कंडीशन को टेस्ट करना होता है। कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम जो है इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है क्या कहता है, टेस्ट किया जाता है। इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है जो टेस्ट करता है कंडीशन को, ठीक है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है, क्या रखनी है, इतनी सी क्या याद रखनी है, ये डिफिनेशन है, आप याद कर लेना। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट कंडीशन, ठीक है। कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो मैं इसका आपको सिंटेक्स बताता हूँ, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है ये देख लो आप, सिंटेक्स फेयर बनाते जाना मेरे साथ, ठीक है ना। बाकी सब सब कुछ समझ में आ जाएंगे। क्या हमारे दम सिंपल सी हैं, इफ कंडीशन, ठीक है कंडीशन, ठीक है। ये हमारे क्या है फ्लावर ब्रैकेट, ये हमारा है स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट है, ये मेरा क्या है फ्लावर ब्रैकेट, बस हो गया। बस इतना ही सोचा था, ज़्यादा कुछ नहीं था, समझे हैं। सिंटेक्स था हमारा, यही था हमारा सिंटेक्स कहलाता है, समझे। और जो इसको एक और कहता है, अगर इसको आप जब कहता है ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट, इसी को जो है ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हो सकता है कोई पूछ देगा, ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट कहा जाता है, ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझे, यही होता है ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट, यही कहलाती हैं, ठीक है। चलिए बात करता हूँ कुछ, अगर मैं आपको सिंटेक्स बताया हूँ तो कुछ अब प्रोग्राम बताना पड़ेगा हमें। चलो अब जो है मैं प्रोग्राम इसका बताता हूँ। प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको कुछ है फ्लो चार्ट इसका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको पहले आपको फ्लो चार्ट बना कर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या होती हैं इसकी, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है जब पढ़ रहे हो आप प्रोग्रामिंग तो जानना जरूरी है, ठीक है। देखो फ्लो चार्ट की बात करते हैं, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्लो चार्ट किससे स्टार्ट होती है, सर्कल के जो ओवल टाइप की होती हैं इससे स्टार्ट होंगी, ठीक है। कंडीशन लेंगे, कंडीशन के लिए क्या होता है, डायमंड से यूज होता है, ठीक है। मैं तो ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिखाएंगे, मैं आपको पहले बना देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। स्टेटमेंट है हमारी, देखिए क्या हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर हमें कंडीशन चेक होगा, ए वाली, ठीक है ना, ये वाली हमारी कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर लिखूँगा कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ये डिपेंड करता है, समझे। अगर ये हमारा ट्रू हो जाएगा तो ये जो है ये आगे में है बढ़ जाएंगे, समझे। फ्लो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ट्रू हो जाता है तो ये जो है डाउनवर्ड की तरफ चले जाएंगे, यानी इधर से फिर राइट राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फॉल्स होता है तो डायरेक्ट हमारा जो है स्टॉप होगा, बात समझ में आई। अगर कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ठीक है, ट्रू हुआ तो हमारे यहाँ पर जो है कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स मैं डाल देता हूँ, स्टेटमेंट वही प्रिंट ऑफ होंगी, समझे।
ये होगी, बस यही, बस इतना ही सही क्या है, फ्लो चार्ट है हमारा किसका, आपका जो है इफ स्टेटमेंट का। तब याद रखिएगा कि इफ स्टेटमेंट जो है ना हमारा एकदम आसान है, आपको जो फ्लो चार्ट आ जाएंगे बनाने के लिए एग्जाम में कि इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आप बनाओ, ठीक है, राइट अ फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, बस आप बना सकते हो। तुम बात समझे कि नहीं? चलो मैं इसका एग्जाम्पल मतलब प्रोग्राम करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ कि किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उस तरह से करता हूँ, ठीक है। चलो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ लिखकर बताकर कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर, देखिए वेदर है, ठीक है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप एक नंबर इनपुट लो उसके बाद बताओ कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एकदम सिंपल सी, मतलब इफ स्टेटमेंट में ये बहुत ही जो सिंपल प्रोग्राम है आपको बनाने आने चाहिए, और मैं इसी तरह का दो तीन एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या हमें करना है, आप जानते ही हो, हैस इंक्लूड एंगल ब्रैकेट एसटीडीओ डॉट एच, देखो आप जो है आप इसको 1.5 इंटू स्पीड में कर सकते हो, आप जिसको स्पीड में जो आप देख सकते हो क्योंकि हम धीरे धीरे बना रहे हैं तो सभी के लिए है ना, तो धीरे धीरे बना रहे हो, आप लोग जो है इसको स्पीड करके देख सकते हो। हैस इंक्लूड कोनी, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक एक चीज अंगुली पकड़ के सिखा रहा हूँ ना, अंगुली धड़ के आपको ले जा रहा हूँ ऊपर, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ तो बताना पड़ेगा ना। वॉइड मेन, वॉइड क्या हमारा कीवर्ड है, मेन क्या हमारा फंक्शन है, फंक्शन है पहचाने का क्या तरीका है, ये हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है कर्ली ब्रैकेट जिसको कहते हैं क्या फ्लावर ब्रैकेट, मैं क्या लेता हूँ इंट, इंटीजर ले लिया, ठीक है। अच्छा इंटीजर कितने बाइट्स की होती हैं बताओ बताओ बताओ, कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालो आप। मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल एन ले लिया, सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन के लिए ब्रैकेट सेमी कॉलम, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ ना कि स्क्रीन पे एक प्रिंट ऑफ लेता हूँ यूजर से कि आप जो है कोई एक इंटर करो, यानी कहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन के लिए प्रिंट एफ, ठीक है, इंटर, ठीक है, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल किया है कि प्रिंट ऑफ किया है कि ताकि स्क्रीन पर हमें दिखाई दे, और यूजर से पूछेगा है ना, ये यूजर से ही पूछेगा कि इंटर एनी नंबर, जैसे ही जब स्क्रीन पर दिखाई देगा तो इसका मतलब समझ जाएगा कि हाँ जो है हमें इंटर एक नंबर करना है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखिए अभी दिखाई देगा तो इंटर करने के लिए कह रहा है, तो जब जाहिर सी बात है कि इंटर करने के लिए कहेगा तो उसको इंटर करेंगे ना, तो उस इंटर को करने के लिए यानी इनपुट डालने के लिए, इनपुट लेने के लिए कंप्यूटर को जो है हम क्या करेंगे, स्कैन ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कैन ऑफ का हम यूज करेंगे, क्या है परसेंटडी, परसेंटडी क्यों लगा रहे हैं, देखिए परसेंटडी लगा रहे हैं इसके यहाँ पर क्या है इंटीजर है, अगर यहाँ पर फ्लोट रहता है ना तो हम लोग क्या लगाते हैं एफ लगाते हैं, अगर कैरेक्टर रहता तो सी लगाते हैं, समझे, यहाँ पर परसेंटडी लगा रहे हैं क्योंकि इंटीजर है, यहाँ पर ठीक है डबल कॉमा है ये हमारा है एम परसेंट, क्योंकि एड्रेस को ये होल्ड करेगा, सब बात समझ रहे हैं, एड्रेस को होल्ड करेगा, और यहाँ पर ना वही एन लिखेंगे जो वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे, अगर ये लिखेंगे ना तो यही यहाँ पर लिखेंगे, अगर बी लिखेंगे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर बी लिखेंगे ना तो यहाँ पर हमको बी लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, तो इसको अभी काट देता हूँ क्योंकि हमने एन लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा इफ का स्टेटमेंट बस स्टार्ट होता है, समझे, अब जो है एन, एन ले लिए, अगर बड़ा है या बराबर है जीरो के, तो क्या समझ रहे हैं, इसको देखिए ऐसे कीजिए,
पहले इसको ब्रैकेट, इसे हमने क्या पढ़ा था, देखिए बताया था ना आपको कि क्या था, कि आपको मैंने सिंटेक्स बताया था ना, क्या था सिंटेक्स हमारा, कि इफ़ था ना, और क्या था हमारा कंडीशन था ना, ठीक है कंडीशन था कि नहीं था, था तो मैंने ऐसा किया था ना, ये मेरा कर्ली ब्रैकेट था, यहाँ पर लिखा था ना बॉडी स्टेटमेंट, ठीक है बॉडी स्टेटमेंट लिखो, या तो आप ब्लॉक ऑफ क्या लिखो, ब्लॉक ऑफ आप स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना। देखिए कंडीशन कह रहा है कि जो है कंडीशन, ठीक है कंडीशन मतलब कंडीशन होता है ना, तो यहाँ पर यही ना कंडीशन ही ना है। देखिए यहाँ पर ए डाल दिए, अब हम इसका बॉडी डालेंगे कि अगर ये होगा तो, अगर ये अगर सही हुआ तो क्या प्रिंट कीजिए, क्या करना चाहते हैं आप, तो हम प्रिंट करना चाहते हैं कि जो हम इंटर नंबर इज, या जो आप इंटर, हाँ लिख देता हूँ पूरा पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए, इंटर नंबर इज पॉजिटिव, जो आप नंबर जो डाले हैं वो क्या है हमारा पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार बताइए, नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट डालिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, बस फिर से मैं बताऊंगा आपको। देखिए अब क्या है कि अब देखिए कि अब फिर से मैं डाल देता हूँ इफ़, ठीक है इफ़ एक और डाल सकते हैं आप एन, अगर ये रहेगा ठीक है एन, ठीक है एन अगर लेस देन जीरो है, ठीक है तो क्या होगा हमारा, देखिए क्या हमारा प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा हमारा प्रिंट एफ में, कि ये जो इंटर जो आप नंबर किए हैं ना, इंटर नंबर इज जीरो, जीरो किए हैं तो इंटर नंबर इज नेगेटिव, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, ड्राई रन करके समझाता हूँ, ड्राई रन मतलब होता है एक एक करके समझाना, मतलब कैलकुलेशन के साथ, ठीक है मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ गेट सी एच, गेट सी एच क्यों, क्योंकि स्क्रीन को होल्ड करता है, ठीक है तो देखिए अब देखिए बातों को समझिएगा, देखिए देखने का आ रहा था, चलिए अब देख लीजिएगा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखे हैं, कि इंट लिखे हैं ना इंट, तो इंट एन, एन फॉर क्या नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है, एंट फॉर नंबर आप ले लो, सॉरी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर की मत बात करो, नंबर ले लो डायरेक्टली, ठीक है एन ले लिया, और आप एन के जगह जेड भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना है ना कि यहाँ पर जो आप लिखोगे ना, जो यहाँ पर लीजिएगा ना वेरिएबल, इसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो जानते हैं क्या आएगा, आपको एरर बताने लगेगा, बोलेगा ना कि अगर आप यहाँ पर एन लिखें, अगर यहाँ पर सी लिख दीजिएगा तो बोल देगा कि जो कंपाइलर पहचान तो नहीं पाएगा, तो उस सी जो है पहचान ही नहीं पाएगा कि सी जो है क्या है, ठीक है जब पहचान ही नहीं पाएगा तो वो अंदर घुसने भी नहीं देगा, एड्रेस ऑफ करने नहीं देगा, तो आपका प्रोग्राम जो है गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इंट लिखेंगे एन, सी एल आर एस सी आर है, ठीक है प्रिंट एफ मैंने लिख दिया, अच्छा प्रिंट एफ कहाँ पर दिखाई देगा जानते हैं, ये जो दिखाई देगा आपका स्क्रीन पर, आपसे जो है पूछेगा स्क्रीन है, ठीक है स्क्रीन डबल ही है, स्क्रीन पर दिखाई देगा, और फिर जब इनपुट डालोगे ना, तो अब कोई नंबर डालोगे, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर नंबर डालते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि एन तो इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू जीरो है, तो जानते हैं क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट करेगा, ये जो है ना ये जो ब्लॉक है ना इसके अंदर के प्रिंट करेगा, जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं आपको, अगर हम आठ डालते हैं तो आठ बड़का है कि नहीं जीरो से, बताइए बड़ा है कि नहीं है, बताइए आठ बड़ा है कि नहीं जीरो से, बड़ा है तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा कि इंटर नंबर इज पॉजिटिव, जाहिर सी बात है कि जब अगर प्लस एट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है ना है, तो ये क्या करेगा प्रिंट, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है अब समझ में आ गया। अगर हम ये कर देते हैं कि माइनस नाइन, ठीक है माइनस नाइन अगर क्या बड़का है कि छोटा है जीरो से, बताइए माइनस नाइन बड़का है कि छोटा है जीरो से, तो ये तो फॉल्स ना हो गया, तो फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, ये तो प्रिंट नहीं करेगा, है ना प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं या जीरो से बड़का क्या होता है, पॉजिटिव ही ना होता है, और जीरो से छोटा नेगेटिव होता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये जीरो है ठीक है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, आई माइनस वन, ये माइनस टू, आई माइनस थ्री, तो देखिए जीरो से अगर इधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव ही ना है, हैं आई जीरो से इधर ले जाते तो नेगेटिव है, बात समझ में आके नहीं आया, तो अगर देखिए वही ना यहाँ पर है कि जिससे हम क्या लिए हैं, एट लिए थे, प्लस एट लिए थे, आप ऐसा नहीं कि प्लस लिख के एट लीजिएगा, ना 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 खाली एट लिखिएगा ना तो अपने आप कंप्यूटर समझ लेता है,
तो जब आप 8 लिखेंगे ना तो ये प्रिंट कर देगा ये। अगर आप -8 लिखिएगा ना तो वो डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर यहाँ यहाँ पर चला आएगा और क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा। यानी कि जो आप नंबर डाले हैं ना वो क्या है, वो नेगेटिव नंबर है। तब देखिए कितना समझदार है कंप्यूटर। आप खाली डालिएगा और देखिए कोड आप नहीं बनाया है, बात समझ रहा है, कोड आप नहीं बनाया है और खाली आप नंबर डाल रहे हैं तो एक्सिक्यूट होके ये है, यही प्रोग्राम कहलाता है। नहीं आप बंदा, आपको तो बताए थे हम कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है प्रोग्राम, क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बात समझ में आ रही है, क्या है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये सब सेट ही ना कर रहे हैं, ये सब जो बना रहे हैं आप सेट ही ना कर रहे हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया है, माफ़ कीजिएगा। ये सब जो आप नहीं लिखिएगा, जब फिर बना रहे हैं तो ये सब नहीं लिखिएगा, सब थोड़ा सा साइड में यहाँ पर यहाँ जैसे ना ये थोड़ा सा लाइन खींच के ना लिख लीजिएगा ये सब। देखिए समझाना पड़ता है ना इजी कर करके, तो बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए अब जो है ना हमको एक पासवर्ड बनाना है, बात समझ में आ रहा है कि अगर आप पासवर्ड सही डालिएगा, जैसे देखिए मोबाइल में क्या होता है कि आप सही पासवर्ड डालते हैं तब ना मोबाइल का लॉक खुलता है, और नहीं डालिएगा तब मोबाइल का तो लॉक खुलेगा नहीं, वो जो है अंदर घुसने ही देगा। बात समझ में आ रहा है ना, खाली स्क्रीन पर अगर आपको दिखाएगा कि रॉन्ग पासवर्ड। देखिए एक बार हमको, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, आप पूरा उतार लेना अच्छा से, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो को देखो, देख लो आप ज़रा अच्छा से। देखिए टाइम लग सकता है इसके लिए, डजेंट मैटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। मैंने क्या लिखा कि एग्जांपल जो है ऐसे स्टेटमेंट का लेना है, ठीक है। कंडीशन क्या है, रैंडम कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारा, कंडीशन ये है ना कि आप अगर पासवर्ड है हमारा, पासवर्ड देखिए PASS है ना, पासवर्ड अगर आप सही डालते हैं ना तो आपको प्रिंट करेगा, ठीक है, और नहीं कीजिएगा ना तो प्रिंट ही नहीं करेगा, मतलब बाहर निकाल जाएगा लूप, सॉरी लूप कह रहे हैं, लूप की मतलब नहीं कह रहे हैं, ना ब्लॉक 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 ऑफ कोड से बाहर निकाल जाएगा, समझ रहे हैं, जैसे आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर से वही हैश इंक्लूड वाला, ठीक है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैश, ठीक है, हैश इंक्लूड यहाँ पे क्या लिखेगा, वॉइस लिखेगा, मेल लिखेगा ना, उसके बाद क्या लिखे, देखिए एक एक चीज़ को लिख सकते हैं ना, तो बिगिनर्स के लिए, शुरुआती के लिए जो बच्चा था उसके लिए एकदम मैम फायदेमंद है, समझ रहे हैं, इसलिए तो किया है हमारा। और क्या लिखे ना कि INT=, हम पासवर्ड ले लेते हैं, बस ना गया उस टाइम क्या लिए थे, एन लिए थे, एन क्या ले लिए हम पासवर्ड ले लिए, देखिए के लिखा है डी हो गया यहाँ पर, ठीक है, पासवर्ड, समझे, मैं यहाँ पर CLR SCR ले लेता हूँ, जानते हैं CLR सर क्यों लिए हैं, क्लियर स्क्रीन के लिए, अभी जो पहले से लिखा हुआ था पहले कर किया था ना, तो ये सब जो है डिलीट हो गया, क्या डिलीट हो जाएगा, आउटपुट जो था ना, जो आउटपुट आता है वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा आप कैसे स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं, प्रिंट इंटर इंटर पासवर्ड, ठीक है, क्या आएगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आप जो है ना इंटर पासवर्ड कीजिए, ठीक है, मैं ये दोनों में देता हूँ आपको, ठीक है, और देखिए स्लैश एन देता हूँ, स्लैश एन जानते हैं क्या होता है, तो जो लाइन में चेंज हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस में नहीं रहेगा, इसे एक दो तीन चार इसे रहता है ना, एक दो तीन जितने दिखा रहा है,
एक दो तीन चार पाँच लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा है। अगर स्लैश एन नहीं रहेगा तब, लेकिन अगर आप स्लैश स्लैश ही ठीक है, स्लैश में अगर डाल देते हैं ना तो वो ऐसे लिखा जाएगा, समझे? अगर समझ नहीं समझे तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे करके ना ऐसे लगा दिए। अब क्या है ना, ये तो मैंने ले लिया। अब स्कैनर से ले लेते हैं ना, अब स्कैनर से लेंगे, अब स्कैनर से लेते हैं परसेंट। अब देखिए, अब बताइए यहाँ पर क्या लेते हैं, क्योंकि हम तो जो है इंटीरियर के लिए करने हैं, क्या लिए हैं? इंटीरियर लिए हैं, लिए क्या लिए बताइए, अब यहाँ बताइए लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लिए हैं तो हम क्या करेंगे परसेंट डी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हमारा एम परसेंट क्या लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड क्यों लगाएंगे एम परसेंट, क्योंकि देखिए आप इन पर जो वेरिएबल क्या लिए हैं, पासवर्ड लिए हैं ना, यहाँ पर लगाना आप समझ आएगा ना। अब देखिए, अब हमारा जो है इसका जो सिंटेक्स था वो स्टार्ट होगा, क्या इज था है ना, उसके बाद कंडीशन था। यहाँ पर कंडीशन क्या है ना कि अगर पासवर्ड, अब सही डालते हैं पासवर्ड इज इक्वल टू ले लेते हैं 2090। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी इसे मत डालिएगा, कंडीशन के बाद ये मत डालिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि आप जो है कंडीशन के बाद ये डालिएगा ना, इसका मतलब यहीं पर आपका जो है टर्मिनेट कर देगा, इस टर्मिनेट कर देगा यहीं पर, इसका ही मतलब समझाएंगे पहले आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये देखिए ये हो गया ना, ये अब जो अगर अगर एक सही डालिएगा पासवर्ड में प्रिंट होगा, इसलिए क्या होगा प्रिंट, आप कुछ प्रिंट को कुछ भी करवा सकते हैं, क्या करवाइएगा वेलकम वेलकम, अगर किसी का नाम है क्या लिखिएगा वेलकम वेलकम, क्या लिखिए वेलकम पापा, ठीक है वेलकम पापा, ठीक है वेलकम पापा मैं आप समझ आ गया, समझेंगे समझे। अब मैं इसको बताऊँगा, अच्छा अब अगर ये पासवर्ड इसमें डालेंगे तो सही आएगा, अगर ये पासवर्ड अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, देखिए ये पासवर्ड जो है यहाँ से समझ आ रही है, पासवर्ड अगर सही रहेगा तो प्रिंट करेगा, पासवर्ड अगर सही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा आगे बढ़ेंगे, प्रिंट से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट पे, देखिए एक और यहाँ पर डाल देते हैं, एक कुछ गलती क्या कर दिया, एक मिनट देखिए जरा।